दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों के हैवी डिमांड पर। आप लोग मुझे बहुत दिन से कमेंट कर रहे हो, बार बार ये डिमांड कर रहे हो कि भाई i7 Pro Max स्मार्ट वॉच का यूजेज रिव्यू क्यों नहीं लेके आ रहे हो। तो मैं आज लेके आया हूं i7 Pro Max स्मार्ट वॉच का 15 डेज यूजेज रिव्यू। एंड अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इस स्मार्ट वॉच में क्या प्रोज एंड कॉन्स है जो मुझे 15 दिन यूज कर फील हुए हैं। एंड मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर पाऊंगा कि इसके अंदर क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, ताकि अगर आप इस स्मार्ट वॉच को लेने की सोच रहे हो तो वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एक सही डिसीजन बनाने में। आज का ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं एनिमेशन, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं i7 Pro Max स्मार्ट वॉच का 15 डेज यूजेज रिव्यू, क्योंकि अगर अभी तक आप इसे लेने की सोच रहे हो, आपने ऑर्डर नहीं किया है, तो आज आप जान पाओगे कि इसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं क्या कुछ कमियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो आपको ऑलमोस्ट एक महीने पहले दिया था, एंड उस पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा प्यार दिया है। ऑलमोस्ट अभी फिलहाल उस पर 73,000-74,000 व्यूज हो गए, एंड दिल से शुक्रिया यार इतना प्यार देने के लिए। उसे भी वायरल कर दो, 1,00,000-2,00,000 जितना आप पहुंचाना चाहो पहुंचा सकते हो। सो गाइज, ये है i7 Pro Max स्मार्ट वॉच, एप्पल वॉच सीरीज 7 का ये क्लोन है, एंड बहुत नियर क्लोन है। आपको देख करके बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा अगर आपको आइडिया नहीं है एप्पल वॉचेस का। कोई इसे अगर पहली बार देखेगा ना, तो इसका लुक एंड डिजाइन है, इसका जो फिनिशिंग किया गया है ना, बिल्कुल लगता है एप्पल वॉच सीरीज 7 की तरह। आज की इस वीडियो को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, प्रोज एंड कॉन्स में। सबसे पहले मैं आपको इस स्मार्ट वॉच के कुछ प्रोज बताऊंगा, कुछ अच्छाइयां बताऊंगा जो मैंने लिख के रखी हैं, एंड फिर मैं आपको कुछ कॉन्स बताऊंगा, कुछ इसमें जो कमियां हैं। सबसे पहले इसके प्रोज से शुरू करते हैं। तो i7 Pro Max स्मार्ट वॉच का सबसे पहला प्रो जो मुझे लगा है वो इसका प्राइस। इतना अफोर्डेबल प्राइस में आता है, आपको ये अमेजोन फ्लिपकार्ट इन वेबसाइट्स पर आराम से 1,000 रुपए के नीचे देखने को मिल जाता है। एंड 1,000 रुपए के नीचे इतना बेहतरीन क्लोन स्मार्ट वॉच मिल पाना सच में काफी मुश्किल है। इसके अंदर आपको अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं, एंड इतने अमेजिंग फीचर्स के साथ आता ही स्मार्ट वॉच इतने कम प्राइस में, आप 900-950 रुपए के अंदर ये किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके बेस्ट बाइलिंग्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आते हैं i7 Pro Max स्मार्ट वॉच के दूसरे प्रोज पे, वो है इसका लुक डिजाइन एंड बिल्ड। इसका लुक्स इतना अमेजिंग, इतना प्रीमियम है, इसका जो फिनिशिंग है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका जो आपको साइड फ्रेम ये देखने को मिल रहा है मेटेलिक है, मेटेलिक ब्लैक कलर का ये दिया गया है, तो इससे क्या होता है ना, इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। एंड अगर आप इस पर कुछ भी पेंट कोटिंग ये सब जो किया हुआ रहेगा, तो जैसे अभी आप देख सकते हो ये पूरा ब्लैक स्मार्ट वॉच है, डायल ब्लैक है, स्ट्रैप ब्लैक है, तो बैक का डिजाइन आप देख लो, बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफी स्ट्रांग फील होता है, रगेड फील होता है, इसका स्क्रीन भी काफी टाइट फील होता है, बॉडी भी बहुत ही अच्छा फील होता है। डिजाइन, लुक एंड बिल्ड क्वालिटी में ना इसे 9.5/10 देना चाहूंगा, सच में काफी अच्छा इसका डिजाइन लुक है। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रोज की, जो है इसका स्क्रीन साइज। बाकी जो भी स्मार्ट वॉच है आपको 1,000 रुपए के नीचे मिलते हैं ना, उनमें आपको इतना बड़ा स्क्रीन साइज देखने को नहीं मिलता है। इसका स्क्रीन साइज सच में काफी इंप्रेसिव है, बहुत बड़े साइज का आपको इसके अंदर स्क्रीन देखने को मिलता है। एंड इसका डायल बड़ा है, तो जब आप इसे पहनते हो ना हाथ में, तो आपके रिस्ट को ये अच्छे से कवर करता है। जब आप इसे अपने हाथ पे इस तरीके से पहनते हो, जैसे मैं आपको पहन के दिखा रहा हूँ ये रहा, तो आपका ना रिस्ट में ये छोटा नहीं लगता है, काफी बड़ा है, काफी बल्कि सा फील होता है, देख करके लगता है कि यार कुछ प्रीमियम स्मार्ट वॉच है, बहुत ही बड़ा साइज का लगता है। स्क्रीन साइज बड़ा है, आपको मेन्यूज बड़े, आइकन्स बड़े दिखने वाले हैं, आपको यहाँ पे टच करने में ज्यादा अच्छा एरिया मिलने वाला है, तो इस तरीके से इसका स्क्रीन साइज इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। चौथे प्रोज की बात करूं तो वो है इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर देखने को मिलता है। यूजुअली आपको 1,000 रुपए के जो स्मार्ट वॉचेस मिलते हैं ना, उनमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिसिंग रहता है, उनमें बस आपको ब्लूटूथ नोटिफिकेशन मिल जाता है, कॉल किसका आ रहा है बस आप वो देख सकते हो, लेकिन इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर देखने को मिलता है। इतने कम प्राइस के स्मार्ट वॉच में आप जब इसे अपने फोन से कनेक्ट रखोगे ना, तो इसके अंदर जहां पे आपको डायल पैड का बटन दिख रहा है ना आइकन, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे ये नंबर पैड ओपन हो जाता है। एंड जब आपका स्मार्ट वॉच आपके फोन से कनेक्टेड रहेगा, तो आप यहां पे किसी का भी नंबर डायरेक्टली डायल करके इस तरीके से आप यहां पे जब कॉल कर दोगे, तो उस बंदे या बंदी को कॉल चला जाएगा आपके स्मार्ट वॉच के थ्रू, एंड आप इससे बात कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपको माइक्रोफोन दिया गया है राइट साइड पे, एंड लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर का प्लेसमेंट दिया गया है। तो ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आता है ये स्मार्ट वॉच, जो इसे काफी ज्यादा एक स्पेशल स्मार्ट वॉच बनाता है इस बजट में। फिफ्थ प्रो की बात करूं तो वो है इसका क्राउन। जो है ये क्राउन आपको इसके अंदर वर्किंग दिया गया है। यूजुअली जो स्मार्ट वॉचेस इस रेट पे आते हैं ना, उस पर क्राउन जो मूव तो जरूर करता है ऐसे ऐसे करके, बट उससे कुछ चेंजेस नहीं आते। बट इसमें आप देख सकते हो, जैसे मैं चेंज कर रहा हूं ना, जब जब मैं क्राउन घुमा रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हो इसका जो वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर यहां पे चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। फिर अगर मैं उल्टा घुमाने लगूंगा, तो यहां पे देखो इस तरीके से ये घूमता है।
है। अगर मैं इसके मेन्यू पे चला जाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं क्राउन को यहाँ पे घुमाऊंगा तो ये जूम इन या जूम आउट यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे इसका फीचर देख सकते हो। इसके अंदर आपको वर्किंग क्राउन का फीचर देखने को मिलता है, वर्किंग क्राउन बटन मिलता है जो इसको बहुत ही रियलिस्टिक बनाता है, बहुत ही नियर अबाउट क्लोन बनाता है एप्पल वॉच सीरीज 7। वर्किंग क्राउन जो होना इतने कम प्राइस के स्मार्ट वॉच में, ये सच में इंप्रेसिव है। एंड इसके मैन्युफैक्चरर्स तो सच में यार एक शाबाशी जरूर डिजर्व करते हैं, वेल डन। आते हैं इसके नेक्स्ट प्रोज पे, वो है इसका बैटरी लाइफ। इसके अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। बहुत लोग ये कमेंट्स में कंप्लेन कर रहे थे कि भाई मेरा i7 प्रो अच्छा बैकअप नहीं देता है, पता नहीं आपने किस सेलर से लिया है। ये भी डिपेंड करता है कि वो क्लोन का क्लोन ना बेच दे आपको, बहुत खराब क्वालिटी ना बेच दे। ये मैंने खरीदा था Amazon से एंड इसका मुझे ना बैटरी बैकअप बहुत सही मिलता है। अगर मैं बिना ब्लूटूथ कनेक्ट करके यूज़ करूँगा, अगर टाइम सेट कर लिया है मैंने एंड मैं बस डेली इसे पहन रहा हूँ, बस इस तरीके से टच वच इसका जो देखने के लिए, टाइम वाइम देखने के लिए स्टाइल से बस अपना फ्लॉन्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आराम से 4 दिन तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, 4 से 5 दिन का। एंड अगर मैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखता हूँ ना, अगर मैं अपने फ़ोन के इससे ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट कर दूंगा एंड इस पर अगर हैवी ब्लूटूथ कॉल्स आएंगे, इस पर नोटिफिकेशन आएंगे, बार बार इस पर लाइट ऑन होगा, बार बार ये यूज़ होगा, बार बार इस पर कॉल आएंगे, तो इसका बैटरी बैकअप आपको कम देखने को मिलता है। अगर आप ब्लूटूथ कॉल करके हैवी यूज़ करोगे तो आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो फिर भी सफिशियंट है। अगर आप सुबह निकलोगे फुल चार्ज करके ब्लूटूथ कनेक्ट रखोगे ना, तो आपका रात को घर आते तक ये आराम से बैटरी बैकअप आपको दे देगा। तो 1 दिन का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा हैवी यूजेज पे, एंड नॉर्मल यूजेज पे आपको आराम से 4 से 5 दिन तक आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। तो ये थे गाइस i7 प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच के कुछ प्रोज। चलो आते हैं इसके कुछ कॉन्स में। कुछ कॉन्स भी हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो सबसे पहले कौन की बात करूं तो वो है इसका जो आपको स्ट्रैप क्वालिटी देखने को मिलता है ना, वो उतना इंप्रेसिव नहीं है। काफ़ी मतलब ड्राई सा फील होता है, काफ़ी ये टाइट फील होता है, ज़्यादा स्मूथनेस से ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी इसके स्ट्रैप में नहीं मिलती है जो इसके साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स। अगर इसके साथ थोड़ा और प्रीमियम सा स्ट्रैप दिया जाता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा फील होता। बात करूँ स्ट्रैप के फिट की, तो नीचे वाला स्ट्रैप काफ़ी टाइट है, मैं कितना भी खींचूँ ना ये गिरता नहीं है, खुलता नहीं है। लेकिन ऊपर का स्ट्रैप पता नहीं इन्होंने क्यों ढीला वाला भेज दिया, या फिर ये क्यों लूज़ हो गया देख सकते हो। मैं हल्का सा अगर स्लाइड करूंगा ना, जैसे अभी मैंने देखो यहां पे स्लाइड कर दिया तो यहां पे ये लग गया। अगर मैं इसे पहनूंगा, अगर मैं थोड़ा रनिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ, कुछ मैं बिजी हूँ, हाथ वाथ बाद में टच हो रहा है, तो ये फटाक से इसे खुल के ना गिर सकता है। तो ये इसके लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, इतना भी लूज नहीं होना चाहिए था यार। तो यही था इसका पहला कॉन, इसका स्ट्रैप क्वालिटी आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। दूसरे कॉन की बात करूँ तो वह है कि ये स्मार्ट वॉच में आपको जितने सेंसर्स मिल जाते हैं ना, उसमें सिर्फ एक सेंसर को छोड़ के बाकी सारे सेंसर्स आपको फेक मिलते हैं। इसके अंदर आपको जो पेडोमीटर मिलता है, जो आप रनिंग करते हो या चलते हो तो कितने स्टेप्स आपने चले हैं वो जो बताता है, वो सेंसर आपको यहाँ पे रियल प्रोवाइड किया गया है। बात करो एक्यूरेसी के, तो 5-10 का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है कम ज़्यादा का, लेकिन वो काम करता है। लेकिन बात करूँ इसके हार्ट रेट मॉनिटर की, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ हार्ट रेट मॉनिटरिंग पे, कहाँ चला गया, हार्ट रेट पे, एंड अपने टेबल पे से रख देता हूँ एंड देखता हूँ कि मेरे टेबल का क्या ये रीडिंग देता है। मैंने इसे पहन के नहीं रखा है, ठीक है, एंड आप देखना यहाँ पे क्या होता है, 74 BPM। यानी कि मुझे तो पता ही नहीं था भाई कि मेरे टेबल के अंदर दिल भी है यार, इतने दिन से तुमने क्यों नहीं बताया, बताओ। तो जो इसके अंदर आपको सेंसर्स मिलते हैं वो फेक है, सिर्फ पेडोमीटर जो है वो सही यहाँ पे काम करता है। बाकी हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर एंड जो भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सेंसर्स मिलते हैं वो यहाँ पे रियल सेंसर्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो इसके अंदर कौन है ना, वो है इसका 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट। इसके दो वॉच फेसेस हैं जिसमें आपको सिर्फ 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट देखने को मिलता है। बाकी के जो आपको स्मार्ट वॉच फेसेस मिलते हैं ना, उसमें क्या है ना, आपको कैसा होता है एनालॉग वॉच होता है, कांटा वाला, सुई वाला, तो उस तरीके का आपको दिखता है। तो आप उसमें तो फिर भी पता लगा सकते हो कि ठीक है 8:30 बज रहे हैं, 8:45 हो रहे हैं, जितने भी बज रहे हैं। लेकिन इसके जो डिजिटल यहाँ पे वॉच फेसेस दिए गए हैं उनमें ना आपको यहाँ पे 12 आवर का टाइम फॉर्मेट सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब बात करता हूँ गाइज इसके फोर्थ कॉन की, वो है इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर तो अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसके अंदर आप ब्लूटूथ से म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो, वीडियोज भी प्ले कर सकते हो, उसका जो ऑडियो आउटपुट आएगा वो फोन की जगह इसके स्पीकर से आएगा। ये सब तो ठीक है, बट इसके अंदर जो आपको स्पीकर का आउटपुट मिलता है ना वो थोड़ा सा कम है। अगर आप रूम के अंदर सुन रहे हो, अगर आप अपने अकेले बैठे हुए हो, आपको डिसेंट साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, आप आराम से किसी से कॉल पे बात कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हो, क्राउडेड एरिया पे हो या क्लासरूम में हो, तो अगर आप इसे चलाओगे एंड कुछ अगर आप कॉल करोगे यहाँ से, या फिर अगर आप यहाँ पे म्यूजिक प्ले करोगे, तो आपको जो साउंड आउटपुट मिलता है ना स्पीकर का, वो बहुत ज़्यादा कम फील होता है बाहर में। इंडोर के लिए परफेक्ट काम करता है, लेकिन आउटडोर में थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
है। तो गाइज लास्ट कॉन की बात करता हूँ, इस स्मार्ट वॉच के अंदर ना आपको कॉलर आईडी कभी कभी दिखता नहीं है। जैसे अगर आपको ब्लूटूथ कॉल आ रही है तो आपको कभी कभी पूरा नाम शो करेगा किसका फोन आ रहा है। आप यहाँ पे कॉल उठा सकते हो, कॉल कट कर सकते हो, सब कर सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ना सिर्फ आपको कॉल का रेड एंड ग्रीन आइकन दिखाई देगा, आपको कौन फोन कर रहा है उसका नाम शो नहीं करता है। ये कभी कभी होता है, मेरे स्मार्ट वॉच में हमेशा नहीं होता है, एंड कुछ कुछ नंबर्स पे होता है। पता नहीं अब ये नंबर्स का फॉल्ट है या हमारे फोन के प्राइवेसी का ये सेटिंग है या फिर ट्रू कॉलर का ये दिक्कत है, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी इसके अंदर कॉलर आईडी नहीं शो करता है, नाम नहीं शो करता है कि कौन आपको फोन कर रहा है। तो ये थे गाइस इस स्मार्ट वॉच के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। आते हैं कंक्लूजन पर। ये स्मार्ट वॉच आपको 1000 रुपए के नीचे आराम से मिल जाएगा। बात करें जहां इसे कॉन्स की, तो जो एक कॉन्स है वो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है यार, क्योंकि अगर आप 1000 रुपए के अंदर आपको इतना अच्छा फीचर्स मिल रहा है, ब्लूटूथ कॉलिंग मिल रहा है, डिसेंट बैटरी लाइफ मिल रहा है, बड़ा स्क्रीन साइज मिल रहा है, स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है, काफी अच्छा क्वालिटी का आपको यहाँ पे इसका जो मेटल बॉडी देखने को मिलता है, तो इतना अच्छा अमेजिंग स्मार्ट वॉच आपको मिल रहा है 1000 रुपए के नीचे, बहुत ही नियर अबाउट, बहुत नियर क्लोन लगता है एप्पल वॉच सीरीज 7 का। एंड अगर आप कॉन्स की बात करो ना, तो कॉन्स जो है इसके वो काफी कम पड़ जाते हैं इसके प्रोज के सामने, क्योंकि ये जो प्राइस में आ रहा है ये सच में काफी इंप्रेसिव है। तो अगर आपका 1000 रुपए का बजट है तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है i7 प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसे खरीद सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को, एंड जाते जाते चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। एंड गाइस जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट करता हूं। अगर i7 प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच के इस वीडियो पे अगर आप पूरे कर देते हो 700 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, 700 लाइक का, 700 लाइक इसलिए क्योंकि ये है i7 प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच। एंड इस वीडियो पे अगर आप 700 लाइक्स पूरे कर देते हो तो मैं इसका वाटरप्रूफ टेस्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। इसे 1 मिनट तक पानी में डुबा के आपको दिखाने वाला हूं कि क्या ये स्मार्ट वॉच सर्वाइव कर पाता है, क्या ये वाटरप्रूफ है, क्या ये वाटर रेजिस्टेंट है, क्या ये बच पाता है। इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो, जिस दिन वीडियो में 700 लाइक्स टारगेट पूरा हो जाएगा, i7 प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच का वाटरप्रूफ टेस्ट वीडियो आ जाएगा। बाय बाय।